दोस्तों आज मॉडर्न दे गाड़ी में कितने इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ गए एंड ऑफ द डे हम भी उतने ही यू you नो know, जिम्मेदार है क्योंकि हम चाहते हैं हमारी गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स बड़ी टच स्क्रीन हो एडाज हो 360 कैमरा हो वॉइस कमांड्स हो ये हो वो हो अब ये सब ऐड करने की वजह से क्या होता है आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ जाते हैं तो क्या ये सही डिसीजन होगा आपके लिए टू गेट एक्सटेंडेड वारंटी अगर आपकी गाड़ी में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है आज इस सवाल का जवाब भी देंगे और साथ में हम आपको बताएंगे हमारी गाड़ी का सर्विस एक्सपीरियंस एट किलोमीटर सो किस बात के लिए रुके लेट्स गेट और हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एलोमीटर आपको बताना ही भूल गया मेरी गाड़ी को रिकॉल आया था जस्ट ड्यूरिंग द सर्विस टाइम लैंड लिटिल वर्ड कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ है एंड काफी लोगों को रिकॉल का ये इशू आया है कि नहीं आई डेंट नो व्हाट ऑफ द प्रॉब्लम तो जब हमने गाड़ी सर्विस पे भेजी तो पता चला एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया जा रहा है फॉर समथिंग दैट कुड हैव हैपेंड सो बेसिकली इन्होंने क्या किया मैं वो भी बता देता हूँ आपको इन्होंने एक वायर इंजन कंपार्टमेंट में उस पर एक एक्स्ट्रा स्लीव लगाया ताकि कोई किस तरीके का मिसहैप या शॉर्ट सर्किट ना हो शुड यू बी वर्ड और समथिंग मुझे नहीं लगता आपको इतना चिंतित होना चाहिए बट मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर भेज दो अगर आपकी गाड़ी को रिकॉल का ई आया है इट्स जस्ट प्रिकॉशन बट या प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर राइट अब हमारी गाड़ी थर्टी थाउजेंड कंप्लीट करके सेकंड प्रॉपर इंजन ऑयल चेंज पे गई थी यहां पे एक्सी सेवन डब्लो का एक मेजर एडवांटेज आ जाता है कि जो इंजन ऑयल चेंज है ना वो हर बीस हजार किलोमीटर में होता है वेरास मोस्टली सारी गाड़ियों में दस से पंद्रह हजार किलोमीटर पे होता है सेकंड एडवांटेज यह है कि इसमें आपको सेमी सिंथेटिक ऑयल डाला जाता है राधर वेरास दूसरी गाड़ियों में आपको सिंथेटिक ऑयल डाला जाता है तो सेमी सिंथेटिक ऑयल का कॉस्ट जो है लगभग चार एक लीटर है और जो सिंथेटिक ऑयल है वो लगभग बारह एक लीटर पड़ता है सो so, इसी वजह से आपको यहाँ कॉस्ट एडवांटेज मिल जाता है तो हमारे हमारी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज जो था

समझ में में नहीं आया आया वजह वजह क्या क्या थी? थी अब हमें क्योंकि हमने इस बार डीलरशिप से जाके एक्चुअली पूछा है कि बस केस so, आप आप में में आपके ब्रेक पैड ज्यादा जल्दी वेयर आउट होते हैं बिटवीन 15 टू 20,000 थाउजेंड किलोमीटर्स मोस्टली अब हमारा रनिंग मेजरली हाईवे पे था हमने एक साल में ऑलमोस्ट

वो चारों के चारों इजीली चेंज हो सकते हैं अब थर्टी थाउजेंड किलोमीटर पे टोटल कॉस्ट कितना आया है मेरा यहाँ पे दो मेन एलिमेंट्स आपको बता दिए थर्ड एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो जाते हैं कार्बन फिल्टर या कुछ प्लास्टिक रिवेट्स, सब मिला के तेरह हजार आठ सौ के आसपास मेरा टोटल कॉस्ट आया यहां पे, ओके अब यहां पे अगर मैं लेबर ऐड करूँ आपको यह बता दू की टेन ट्वेंटी नहीं लगाया जा रहा है कुछ साढ़े तीन पौने के था। तो 17, 17, 500, अब इस पर अगर मैं जीएसटी एड कर लू तो लगभग इक्कीस साढ़े रुपए तक मेरा टोटल कॉस्ट हो गया था तो 30,000 किलोमीटर पे टोटल मैंने सत्ताइस हजार रुपए खर्चा किया है लास्ट सर्विस ट्वेंटी थी उससे पहले वाली 20,000 पे टू थाउजेंड का खर्चा आया था टोटल वहीं पे अगर मैं फर्स्ट सर्विस देखूं विच वाज ओनली इंजन ऑयल चेंज एंड बेसिक द रेगुलर सर्विस तो 3,970 यानी कि लगभग ले लो चार हजार अब यहाँ पे अगर मैं ब्रेक पैड्स का कॉस्ट निकाल देता हूँ विच शुड बी माई नेक्स्ट फिफ्टी थाउजेंड किलोमीटर अगर मैं ऐसे हाईवे रन करते रहता हूँ देन इन दैट केस मेरा जो ओवरऑल सर्विस कॉस्ट शुड बी क्लोज टू जो मेरे हिसाब से काफी अच्छा है फॉर अ कार ऑफ दिस साइज इंक्लूडिंग लेबर अब अगर मैं गाड़ी के टायर्स के बारे में बात कर लू जनरली चालीस पचास हजार के आसपास आप टायर्स बदलते हो मैंने अपनी गाड़ी का बाहर से कहीं से भी अलाइनमेंट एक भी बार नहीं करा है मैं यहाँ सर्विस सेंटर पर इस बार लेके गया था सर्विस एडवाइजर ने गाड़ी भी चलाई और उसने कहा अलाइनमेंट की जरूरत नहीं है टायर्स को तो इसी वजह से हमने टायर्स की अलाइनमेंट को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है और क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी है तो इन दिस केस पे एनी विच वेज वेयर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है सो आई एम जस्ट शेयरिंग ऑन दिस फैक्ट ऑल्सो की टायर्स काफी अच्छे चल रहे अभी भी अच्छा ग्रिप करते हैं मैंने इसे लास्ट मानसून में ही काफी चलाया था विद इन ऑफ रोड ऑफ रोड भी किया है लास्ट ईयर भी हम इसे थोड़ा बहुत ऑफ रोड किए थे तो अभी तक हमें अलाइनमेंट का इशू बिल्कुल नहीं है अब ओवरऑल एक्स्यूवी सेवन डब्लू का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इतना ज्यादा नहीं आई फील दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द एंटायर कैटेगरी अब मेरा पहले का सवाल क्या आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी चाहिए अपनी गाड़ी पे या नहीं राइट द क्वेश्चन अगर आपकी गाड़ी में काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी गाड़ी में एक्सटेंडेड वारंटी डेफिनेटली ले लो चाहे वो एक्सवी सेवन हो या कोई भी दूसरी गाड़ी हो मैंने खुदने लिया हुआ मेरी गाड़ी पे आज पांच साल या डेढ़ लाख किलोमीटर की वारंटी है वैसे जिस जितना मैं जानता हूँ आप अगर जितना लेट वारंटी लोगे आपका कॉस्ट उतना ऊपर जाएगा तो पहले तीन महीने का कॉस्ट कम है उसके बाद एक साल के अंदर लोगे तो एक कॉस्ट है और एक साल के बाद लोगे तो एक अलग कॉस्ट आ जाता है जो मैं आपके साथ पूरा शेयर कर दूंगा यार हमारी गाड़ी के इंटीरियर्स हैव बीन टिप टॉप टिपटॉक क्योंकि मैं हर बार अपनी गाड़ी को क्लीन रखता हूँ आप चाहोगे ना तो मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो उसमें भी बना सकता डिटेल्ड कि किस तरह से आप अपनी गाड़ी को क्लीन रख सकते हो बट मैं डेफिनेटली आपको पांच चीजें ऐसी बताऊंगा जो आपको हर गाड़ी में रखनी चाहिए अपनी इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट टाइप दैट कार सबसे पहला अ गुड क्वालिटी एच एंड फोर डैश कैमरा ये जरूरी है टायर इन्फ्लेटर भी होना चाहिए गाड़ी में एक अच्छी टॉर्च अगर गाड़ी अंधेरे में कहीं पंचर या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है यू नीड अ गुड क्वालिटी टॉर्च नंबर फोर डेफिनेटली इज वैक्यूम क्लीनर अपनी गाड़ी को हर बार क्लीन रखने के लिए वैक्यूम क्लीनर जरूरी है रखना एंड पांचवा इज जंपर स्टार्ट जंपर स्टार्ट केबल आते हैं आपके गाड़ी के लिए विच विल कम वेरी वेरी हैंडी टू यू मैं आपके लिए पांचों चीजों की लिंक्स एक्चुअली नीचे छोड़ रहा हूँ गो एंड अगर आप फोर बाय फोर गाड़ी या ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी भी है आपके पास देन इन दैट केस यू कैन बाय अ टो हु पर डोंट बाय एनी रैंडम टो हुक इंटरनेट पर बहुत सारे मिलते हैं आपको देख के लगेगा बहुत सॉलिड है एक बार यूज करने जाओगे पहले बार में टूट जाएगा वो इट इज दैट बैड अ क्वालिटी So, मैं आपके लिए सारी चीजों की लिंक छोड़ रहा हूँ तो उम्मीद करते हैं मैं आज आपके लिए पूरी क्लैरिटी लेके एक्सपीरियंस भी देखने तो हमारे वीडियोस इंटरनेट पे ही हैं आप जाके इसे चेक कर सकते हो तो हमने ईच वीडियो में ब्रेकअप दिया है कि टेन पे क्या खर्चा है या ट्वेंटी पे क्या खर्चा है जिससे आप एज अ कार बायर को कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके अगर आप चाहोगे तो मैं आपके लिए एक और एक वीडियो बना सकता हूं ऑन द एस डब्लू जो मेरा पिछले एक डेढ़ साल से एक्सपीरियंस आया गाड़ी का ऑन हाउ इज इट क्या क्या चीजें अच्छी रही है क्या क्या प्रॉब्लम है क्या इंप्रूव हो सकती है क्या प्रॉब्लम दे रही थी क्या नहीं दे सकती थी तो एक बड़ा डिटेल वीडियो बन सकता है लेकिन आप जान लीजिए एक बात कि अगर वो डेढ़ साल का मेरा एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे और वो थोड़ा लंबा वीडियो बन सकता है इसलिए मैंने उसको इसमें नहीं इंक्लूड किया अब अगर आप चाहते हो कि हम वो वीडियो बनाए कॉमेंट्स में बता दीजिए हमें लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन सी गाड़ी खरीदू सेवन डब्ल्यू है बहुत सारे और ऑप्शन है मार्केट में यू नो इट कैन गेट कन्फ्यूजिंग इनफैक्ट सेवन डब्लू में भी कन्फ्यूजिंग हो सकता है पेट्रोल यू डीजल यू ऑटोमेटिक यू ऑल व्हील ड्राइव यू मैनुअल यू सो इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ से एक फोन कॉल पर जुड़ के अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो अब आपको करना क्या है सिर्फ चले जाइए मोटरॉकट डॉट कॉम स्लैश कार एफ एन कंसल्टेंसी वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट है ना बहुत ही आसान चीज और साथ ही में एक